नमस्कार, मैं हूं अभिषेक चंद्रा और आप देख रहे हैं livecities.in। बिहार की बात में आज बात बिहारी बाबू की। बिहारी बाबू यानी कि शत्रुघ्न सिन्हा, पिछले 4.5 सालों से वो लगातार जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, अपने ही सरकार के खिलाफ बयान देते हैं, वो सारे बयान उनको कहीं ना कहीं हमेशा सुर्खियों में रखता है। शत्रुघ्न सिन्हा के कामकाज के तरीके को, उनके बोलने को तरीके को कई सारे लोग जो हैं, खास करके बीजेपी में, उनकी अपनी पार्टी में ही लोग पसंद नहीं करते हैं। अब हाल फिलहाल में जिस तरीके की राजनीति पिछले 2-4 दिनों में पटना से लेकर दिल्ली तक सामने आई है, उसके बाद से ये लगभग तय हो चुका है कि शत्रुघ्न सिन्हा को भाजपा जो है अगली लोकसभा चुनाव में पटना साहिब से टिकट नहीं देने वाली है। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जो तमाम राजनीतिक जानकार हैं अब इस बात को लगभग पक्का मान के चल रहे हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा अगली बार बीजेपी के सिंबल पर से पटना साहिब से नहीं लड़ने वाले हैं। चीजों को देखिए, चीजों को समझिए, जिस तरीके से नीतीश कुमार और अमित शाह ने एक अपना जो जॉइंट प्रेस स्टेटमेंट दिल्ली में दिया था कि अगले 2-3 दिनों में जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो तय हो जाएगा और इसकी आधिकारिक घोषणा भी 3-4 दिनों में कर दी जाएगी, उसके बाद जो लगभग ये बात स्पष्ट हो चुका है कि शत्रुघ्न सिन्हा अगली बार पटना साहिब से बीजेपी के सिंबल से नहीं लड़ने वाले हैं, क्योंकि चीज जिस तरीके से डेवलप हो रहे हैं, भाजपा ने स्पष्ट कर दिया है, अमित शाह ने स्पष्ट कर दिया है, साथ में नीतीश कुमार भी थे, कि उनकी पार्टी जो है भाजपा और जेडीयू बराबर सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी। यानी कि बराबर का अगर बात करें, साथ में दो और पार्टियां हैं, वो रालोसपा है जो कि खुद अभी विवादों की केंद्र बिंदु में है कहीं ना कहीं, और रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा है। जो अभी तक पत्रकार समझ पा रहे हैं, राजनीतिक जानकार समझ पा रहे हैं कि वो फॉर्मूला जो भी बनेगा, जेडीयू और बीजेपी के खाते में या तो 16 सीट आ सकती है या फिर 17-17 का फॉर्मूला जो है वो बनेगा। यानी कि भाजपा ने इस बात को अगर आप समझें तो इस बात का मन बना लिया है कि नीतीश कुमार के लिए आप के लिए या फिर अपने पूरे गठबंधन के लिए अगले लोकसभा चुनाव में वो अपने 5 वर्तमान सांसद को कहीं ना कहीं शहीद करने की तैयारी में है। 4-5-6 ऐसे वर्तमान सिटिंग MPs हैं जो कि इस बार जो है भाजपा के सिंबल से कहीं ना कहीं टिकट नहीं पाने वाले हैं, और उसमें से जो सबसे ज्यादा प्रबल संभावना अब बन गई है वो शत्रुघ्न सिन्हा के नाम पर ही बन गई है। इस घोषणा के बाद कि जेडीयू और बीजेपी बराबर सीटों पर लड़ेगी, शत्रुघ्न सिन्हा ने दिल्ली में एक बड़ा इंटरव्यू दिया, देश के सबसे बड़े चैनलों में से एक NDTV को इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में शत्रुघ्न सिन्हा कई सारे बात को बोल गए। शत्रु ने एक बात कहा कि वो चाहते हैं कि उनकी पार्टी बीजेपी कोई काम करे का मतलब कि शत्रु ये चाह रहे हैं कि अपनी तरफ से पार्टी जो है वो खुद से उन्हें निष्कासित कर दे, वो ताकि वो कहीं ना कहीं शत्रुघ्न सिन्हा के मन में ये बात होगी कि वो शहीद का दर्जा ले सकते हैं। ये एक बड़ी बात है। शत्रुघ्न सिन्हा जिस तरीके से एक नेशनल चैनल पर आते हैं, लगभग सभी मीडिया चैनल पर वो आते हैं और अपनी पार्टी की ही इतनी सार्वजनिक तरीके से बुराई करते हैं, अपने प्रधानमंत्री की ही इतनी बुराई करते हैं, उससे कहीं ना कहीं अगर एक्शन ना भी लेने का मन हो तो एक्शन लेने का मन पार्टी का बन जाए, इस तरीके से शत्रुघ्न सिन्हा बात करते हैं। कई सारी बातें हमेशा अगर आप देखें तो पिछले जो खास करके हाल फिलहाल में 2-2.5 साल रहे हैं का जो वक्त है, ये शत्रुघ्न सिन्हा के बारे में हर किसी ने परसेप्शन बना लिया है कि शत्रुघ्न सिन्हा बहुत बोलते हैं, ज़्यादा बोलते हैं, हमेशा विवादों में रहते हैं, कॉन्ट्रोवर्सीज जो है उनके स्टेटमेंट से हमेशा बनती है, विवाद को वो स्थापित करते हैं। शत्रु ने एक जो लाइन पकड़ी हुई है वो पार्टी लाइन से अलग बोलने की है। शत्रु हमेशा अगर आप हाल फिलहाल में देखें तो वो विरोधियों से मिलते हैं, विरोधियों की तारीफ करते हैं, जो भाजपा के विरोध की सरकार है, उनके विपक्ष की सरकार है, नॉन बीजेपी गवर्नमेंट्स की तारीफ करते हैं। अगर एक डिसिप्लिन मेंबर की बात करें, शत्रुघ्न सिन्हा को एक मलाल जरूर है कि मोदी कैबिनेट में उन्हें जगह नहीं दी गई, ये बात हम भी जानते हैं, लेकिन हर पार्टी का, हर ऑर्गेनाइजेशन में एक कहीं ना कहीं डिसिप्लिन होता है, और वही डिसिप्लिन जो है कहीं ना कहीं शत्रुघ्न सिन्हा तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मैं एक आपको उदाहरण दे रहा हूं बिहार की बात में, राजीव प्रताप रूडी।
राजीव प्रताप रूडी कुछ महीने पहले तक जो है मोदी कैबिनेट में MOS हुआ करते थे, राज्य मंत्री हुआ करते थे। किन्हीं कारण से राजीव प्रताप रूडी को मोदी कैबिनेट से बाहर कर दिया गया, मगर आज तक मुझे ऐसा कभी याद नहीं आता कि नरेंद्र मोदी सरकार के इस फैसले पर राजीव प्रताप रूडी ने कभी कोई सार्वजनिक बयान दिया हो या फिर पार्टी लाइन्स की अगेंस्ट में जाकर के बयान दिया हो। ये एक बड़ी बात है, कहीं ना कहीं जो एक डिसिप्लिन है, पार्टी की डिसिप्लिन है, वो आज तक रूडी ने नहीं तोड़ी। मगर उसके उलट शत्रुघ्न सिन्हा जो है हमेशा वो काम करते हैं जो कि पार्टी के लिए कहीं ना कहीं टॉलरेबल नहीं हो पाता है। अब एक बात देखिए, शत्रुघ्न सिन्हा हम के बारे में जब भी बात करते हैं कि आप RJD से अपने ताल्लुकात रखते हैं, लालू परिवार से इतने ताल्लुकात रखते हैं। NDTV को ही जो इंटरव्यू शत्रुघ्न सिन्हा ने दिया उसमें कहा कि जब उनकी माँ का देहांत हुआ था तो RJD के लोग ही थे जो सबसे पहले उनके घर पहुँचे थे और आखिरी वक्त तक उन्होंने साथ दिया था। उस वक्त राबड़ी देवी बिहार की CM थी और राबड़ी देवी ने, उनकी सरकार ने जो है बिहार में राजकीय सम्मान जो है शत्रुघ्न सिन्हा की माँ के देहांत के वक्त जो है वो बिहार में कहीं ना कहीं लागू करवाया था। अच्छी बात है, ये सम्मानजनक बात है, लेकिन साथ ही साथ शत्रु ने ये सवाल भी उठा दिया कि देश में जब एक TV एक्ट्रेस जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर हो सकती है, उनका इशारा स्मृति ईरानी की ओर था, और एक तथाकथित चाय वाला जो है देश का प्रधानमंत्री हो सकता है, तो मैं GST पर भी बात नहीं कर सकता। इस बयान को अगर आप देखें तो ये बयान कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है। आप अपने प्रधानमंत्री को कहते हैं कि तथाकथित चाय वाला जो है देश का प्रधानमंत्री बन जाता है और एक TV एक्ट्रेस जो है देश की कैबिनेट मिनिस्टर बन जाती है। शत्रु खुद भी फिल्म लाइन से आते हैं, बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं और खुद भी वो बॉलीवुड स्टार हैं, उन्हें इस ये बात भूलना नहीं चाहिए। बिहार की बात में शत्रुघ्न सिन्हा जी आपसे मैं पलट करके एक सवाल जरूर पूछ सकता हूँ कि जब आप स्मृति ईरानी के बारे में इतना कुछ खुलकर बोल सकते हैं तो सवाल तो RJD से आप उठा सकते हैं जब उन्होंने राबड़ी देवी को राज्य का CM बनाया था। राबड़ी देवी के बारे में भी बहुत सारी बातें हैं जो कि कहीं ना कहीं लोग बात करते हैं। अगर आप स्मृति ईरानी के बारे में इतना कुछ कह सकते हैं तो जिस वक्त लालू यादव ने जेल जाते वक्त राबड़ी देवी को CM बनाया था, तो इन बातों पर भी कहीं ना कहीं आपको सवाल उठाना चाहिए, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे। आपको बिहार का भविष्य तेजस्वी यादव में नजर आता है, आपको उत्तर प्रदेश का भविष्य जो है अखिलेश यादव में नजर आता है, आपको अरविंद केजरीवाल अच्छे लगते हैं, मनीष सिसोदिया अच्छे लगते हैं। आप ये कहते हैं प्रफुल्लित होकर कहते हैं कि आपकी सभी पार्टियों से अच्छी बनती है, तो इसका ये सारे जो तमाम बयान है इसका मतलब क्या है? आपने कहीं ना कहीं इस बात को तो अगर थोड़ी बहुत भी बात करने की गुंजाइश होती, थोड़ा बहुत भी कंसिडरेशन का गुंजाइश होता तो शायद वो संभव हो पाता। लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं हर कोई मान के चल रहा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में शत्रुघ्न सिन्हा को पटना साहिब से BJP अब किसी हाल में टिकट नहीं देने वाली है, अब सिंबल नहीं मिलने वाला है शत्रु को, ये तय है। खास करके हाल में जिस तरीके से राजनीति हुई है, हाल में अमित शाह और नीतीश कुमार की जो मीटिंग हुई है उसके बाद से ये बिल्कुल तय है, लगभग तय है। और शत्रुघ्न सिन्हा भी इस बात को मान चुके हैं कि वो BJP के लिए जो है पटना साहिब से उम्मीदवार अगली बार जो लोकसभा चुनाव में नहीं होने वाले हैं। बहुत सारे फैक्टर हैं इसमें। अगर आप खुद से कह रहे हैं कि पार्टी अपनी तरफ से ही कोई काम करे, पार्टी खुद से निष्कासित करे, तो शत्रुघ्न जी पार्टी BJP आपकी इतनी कच्ची पार्टी भी नहीं है, वो आपको शहीद का दर्जा तो कतई नहीं होने देगी। आखिरी वक्त तक, जहां तक मुझे समझ में आता है, आखिरी वक्त तक जो है वो कहीं ना कहीं, जिसको हम बिहारी हिंदी में कहते हैं उझरा के रखना, वो इस बात को उलझा करके रखेगी कि जो पटना साहिब का कैंडिडेट है वो क्लियर नहीं हो। वो चाहेगी कि लास्ट पे जिस वक्त नॉमिनेशन का समय हो रहा हो उस वक्त ही अपने पार्टी कैंडिडेट को जो है वो फाइल करे, उसकी स्थिति को स्पष्ट करे। इतना जरूर है पानी सर के ऊपर जो है वो बह चुका है, बहने वाला नहीं मैं कहूंगा, अति हो चुकी थी, और अति जो है इस चीज की दिखती है आपके बयानों में दिखती है शत्रुघ्न सिन्हा। और जिस तरीके से आप लगातार कदम उठाते हैं, लगातार अपनी सरकार की ही आलोचना करते हैं, माना चलिए आपको कैबिनेट में जगह नहीं दी गई, आपकी कुछ और शिकायतें भी हो सकती हैं, बड़ी शिकायतें हो सकती हैं। आप बार बार ये कहते हैं कि आप भाजपा के साथ तब से जुड़े हुए हैं जब से ये 2 सांसदों वाली पार्टी थी, लेकिन कुछ ना कुछ एक सेल्फ डिसिप्लिन भी होता है, एक स्व अनुशासन भी होता है जिसका पालन हम सभी को करना होता है। राजीव प्रताप रूडी का उदाहरण मैं यहां पर साइट कर रहा हूं। राजीव प्रताप रूडी के अलावा और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपनी संस्था से, अपने ऑर्गेनाइजेशन से नाराज चलते हैं, मगर वो खुल करके मीडिया में, पब्लिक लाइफ में, सोशल मीडिया पे नहीं बोलते हैं, लेकिन आप प्रखर होकर के बोलते हैं, आप हैं। और जिस
तरीके से आप किसी भी प्रधानमंत्री के बारे में, किसी भी मिनिस्टर के बारे में इस तरीके से बोलेंगे और विपक्ष की तारीफ करेंगे, ये जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं अति है, शायद इस बात को कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पाए। इतना तो तय है कि बीजेपी ने जब से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय किया था, बीजेपी के आलाकमान के जो भी नेता हों वो कहीं ना कहीं इस बात को दिमाग में लेकर के चले थे कि हर हाल में इस बार शत्रुघ्न सिन्हा को पटना साहिब से अपनी पार्टी का सिंबल नहीं देना है, ये तय हो चुका है। बहरहाल बिहार की राजनीति हमेशा से दिलचस्प रही है, पिछले कुछ दिनों से और ज़्यादा दिलचस्प हो रही है और आने वाले वक्त में अगर आप देखें तो और ज़्यादा दिलचस्प होने वाली है। बहुत सारी ब्रेकिंग खबरें हैं जो कि दिल्ली की राजनीति से कहीं ना कहीं मिलने वाली हैं, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं, उनकी मीटिंग जो संभावित मीटिंग अमित शाह से होनी है, उसके बाद और ज़्यादा ब्रेकिंग खबरों की उम्मीद हम कर रहे हैं। बिहार की बात में मेरे यानी अभिषेक चंद्रा के साथ आज इतना ही, नमस्कार।